खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां देर रात के समय साइकिल पर अपना वेतन लेने के लिए होटल जा रहे दो लड़के उनका मोबाइल फोन छीनकर भागे दो लुटेरों को पुलिस ने देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है। और आज जेल भेजे गए लुटेरे जिनके पास से लूटे गए दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। आपको बताते चले कि सुभाष नगर थाने की तिलक कॉलोनी निवासी अभिषेक और उनके दोस्त अविनाश से मोबाइल फोन लूट कर भागे बारादरी थाने के हजियापुर निवासी उत्तम गंगवार और काका टोला निवासी अभिषेक चौधरी को पुलिस ने बीती रात लगभग 10 बजे उनके घरों के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती रात लगभग 8 बजे इंपीरियल होटल में वेटर का काम करने वाले अभिषेक और अविनाश साइकिल पर अपने मालिक से वेतन लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वह मिशन मार्केट के पास पहुंचे तभी चौकी चौराहे की तरफ से आ रहे दो स्कूटी सवारों ने उनके मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिए। लेकिन एक मोबाइल फोन मौके पर ही गिर गया, लेकिन दूसरा फोन स्कूटी सवार लुटेरे लेकर अयूब खान चौराहे की तरफ भाग निकले। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अयूब खान चौकी प्रभारी लेडीज चिंगम अनुराधा वर्मा अपनी टीम के साथ चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही हैं, तो दोनों बदमाश स्कूटी को तेजी से लेकर भागने लगे। तब चौकी प्रभारी को उन पर शक हो गया और वो एक सिपाही के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से स्कूटी का पीछा करने लगी। पुलिस को पीछा करते देख स्कूटी सवार बदमाश हड़बड़ा गए और हनुमान मंदिर के सामने इनकी स्कूटी जमीन पर गिर पड़ी। दोनों बदमाश स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंच चौकी इंचार्ज अनुराधा वर्मा ने स्कूटी को कब्जे में लिया और चौकी पर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद काका टोला का रहने वाला विवेक स्कूटी लेने के लिए चौकी पर पहुंचा और उसने कहा कि स्कूटी उसका भाई अभिषेक चला रहा था, जिसने घर पर पहुँचने के बाद बताया कि उसका हनुमान मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गया है। तब अयूब खान चौकी प्रभारी अनुराधा वर्मा अपनी टीम सिपाही डिंपल, सिपाही अमर राठी, सिपाही कृष्णपाल, सिपाही रविंद्र, सिपाही संजीव कुमार और विवेक को साथ लेकर उसके घर पहुंची और उसके भाई अभिषेक चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने उसके दूसरे साथी उत्तम गंगवार को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से लूटे गया मोबाइल फोन बरामद हो गया। घटना के 2 घंटे बाद ही खुलासा होने पर चौकी प्रभारी लेडी शिंगम अनुराधा वर्मा को बधाई देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने उनके कार्य की प्रशंसा की। ऐसे कई बड़े मामले में महिला दरोगा अनुराधा वर्मा खुलासा कर चुकी हैं, जो लेडी शिंगम के नाम से जानी जाती हैं। आज मैं अपने घर से ड्यूटी पे आ रहा था, अपने मालिक साहब से पैसे लेने के लिए, तो विसा मंडल पे दो स्कूटी से लड़के आए और मेरा फोन छीन के भाग गए। अच्छा, जिन्हें मैंने आगे चल के चलते हैं या हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ के उनने एक्सीडेंट करा, तो हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए और अपनी स्कूटी छोड़ के भाग गए। अच्छा, पुलिस को कैसे पता लगा? तुमने पुलिस को सूचना दी थी क्या? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मैम अपने राउंड पे जा रही थी तो मैडम ने भीड़ लगी देखी, तो मैडम भीड़ की तरफ आई तो मैडम को पता चला। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम इंपीरियल होटल में काम करते हैं हाउसकीपिंग के पद पे। अच्छा, तो मोबाइल आपका छीन कर ले गए चोर, या मतलब बच गया? नहीं, मोबाइल छीन के भाग गए। अच्छा, कैसे लड़के थे, क्या कितनी उम्र रही होगी लड़कों की, कुछ थोड़ा बता देंगे? लड़कों की उम्र यही होगी 22-23 साल की। अच्छा। और बड़े बड़े बाल थे दोनों के और गोरे से लड़के थे। कैसे कपड़े पहने थे, क्या था? आगे वाले लड़के ने तो वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर के फूल बने हुए थे और पीछे वाले का इतना ध्यान नहीं आ पाया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।